ना छिड़क लूँ। तो तीन बज चुके हैं जी, बस अभी कुछ ही देर में इफ्तिताह होने वाला है और अभी जो है वो मेहमानान ग्रामी तशरीफ ला रहे हैं, कुछ ही देर में राणा तनवीर हुसैन साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं और उसके बाद फिर जो है इसका इफ्तिताह होगा। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट शफी खान साहब, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, सब क्या कर रहे हैं जी, क्या सूरत हाल है, आप यहाँ पर आए हैं ओपनिंग सेरेमनी में तो कैसा लग रहा है आपको या क्या सूरत है? जी कर सब, जैसे आप देख रहे हैं आज इमामिया कॉलोनी पुल का इफ्तिताह हो रहा है जी, और इस इफ्तिताह की वजह से तकरीबन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरह ये हमारे जो इमामिया कॉलोनी शदरा और राना टोन जितने ये इलाके के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे फाटक बंद होने से, कार्य साहब आपने खुद ही देखा होगा ना, जब फाटक बंद होता था तो तकरीबन इमामिया कॉलोनी से रचना टोन तक गाड़ियों की कतारें लग जाती थी, जो तकरीबन फिर वो घंटों तक वो रहती थी। अब यहाँ से ये पुल का इफ्तिताह होने से ये होगा ना कि चलो यहाँ से तकरीबन कोई यहाँ पे ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पे बंदा आसानी से यहाँ पे अब तकरीबन जैसे हमने यहाँ से जाना शदरे तो तकरीबन रचना टोन से शदरे का रास्ता तकरीबन जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ यानी मौजूद है, यहाँ के भी हैं दूसरे इलाके के भी हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो इसके बाद इफ्तिताह के बाद जो नीचे काम होगा तो वो फिर इजीली हो सकेगा क्योंकि ये ऊपर से ट्रैफिक गुजरेगी कि नहीं, क्या सोचते हैं? उम्मीद तो यही है कि जो इफ्तिताह के बाद क्योंकि सारी ट्रैफिक ऊपर पुल के ऊपर आ जाएगी तो ये जो नीचे काम होगा उम्मीद है कि वो बहुत जल्द वो करवाएंगे और काम वो इजीली हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो आप तो वीडियोस देखते रहते हैं हमारी, तो क्या कहते हैं मेरी वीडियोस के बारे में, क्या कहते हैं आपको? कारी साहब मैं तो यहाँ पे नजदीक ही रहता हूँ, आपको पता है मामिया कॉलोनी फाटक के साथ बिल्कुल ही करीब है, लेकिन रात को जब तक आपकी वीडियो ना देखते थे ना तो हमें चैन नहीं था आता। मेरे भाई जब मार्केट से आते थे नकीबुल्ला आजम मार्केट से तो वो आपकी वीडियो हम सारे मिलके देखते थे, तो जब तक आपकी वीडियो नहीं था देखते ना तो हमें जब वो नींद नहीं थी आती, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी कवरेज की, लम्हा बलम्हा हमें सब लोगों को आपने अपडेट रखा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। साइडों पे खड़े हो जाए, नारा तलवीर तेरे जान का, और चलो पूछ लांगे रेस्ट पे मत होते ही है दस फोन कर लांगे जे नारा तलवीर साहब से पूछ लांगे ना नारे पे आ जाइए कि ना तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रास्ता क्लियर करवा दे। पाकिस्तान के लोग जो जीटी रोड का सफ़र करते थे यहाँ से पेशावर की तरफ या इधर से जाते थे लाहौर या आगे की तरफ, क्योंकि तो जब से मैंने वो शुमालिया मैंने भी देखा ये बहुत बड़ा मसला था और हमारा ये इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। अच्छा
डॉक्टर इफ्तिखार है जी, इफ्तिखार साहब हैं जी, डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं जी। तो मैं भी जा रहा था बाइक लेने, उन्होंने कहा जी आपका कैमरा किधर है, मैंने कहा चलो जी आपको दिखाते हैं। जी जी ये लाइव चल रही है और बहुत खुशी भी बना रहे भाई। क्या बात है। हाँ जी अब्दुल कदीर भाई कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह जबरदस्त। चले जी ये देखिए जी जनाब कामिया कंपनी चलाइए। यहाँ पर उल्टी